गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा बालिकाओं के लिंगीय भेद के प्रकार। मैंने लास्ट वीडियो में आपको हमारे लिंगीय भेद के कारण बताए थे, इसमें मैं आपको बालिकाओं से संबंधित कौन कौन से लिंगीय भेद के प्रकार है, साथ में जो प्रकार है उनके उन प्रकारों में कौन कौन सा लिंगीय भेद आते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम मानते हैं कि बालक और बालिकाओं के लिए एक जो हम उत्तम स्थान जो उन्हें देते हैं, यह स्थान उन्हें देते हैं, वो स्थान हम पृथक पृथक देते हैं, यानी कि अलग अलग देते हैं। और ये लिंग भेद हमने देखते हैं हमारे समाज में जितना मान सम्मान लड़कों को दिया जाता है उतना हम लड़कियों को नहीं दे पाते। तो उसी चीज के बारे में हम बता रहे हैं कि आज का जो टाइम है हमारा, उसमें हमें लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमारे समाज के एक अभिन्न अंग है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर बालिकाएं नहीं होंगी तो क्या हम पुरुषों के माध्यम से हमारे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बालिका है वो हमारी भी किसी की माँ है, किसी की बहने है, किसी की पत्नी है, यानी ये किसी ना किसी रूप में हमारे सामने है। अगर ये नहीं होंगे तो क्या ये सब हमारे होंगे? माता, हमारी बहन यानी बेटी, किसी भी रूप में जो जन्म लेती है वो हमें प्राप्त नहीं होंगी। तो इस तरह के समाज में हमारे में जो लिंग भेद बनाए हैं बालिकाओं के लिए, वो कौन कौन से लिंग भेद के प्रकार है? तो हमने देखा है कि पहला तो है जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व, और सेकंड है हमारा जन्म पश्चात, यानी कि जन्म होने के बाद, जब लड़कियों का जन्म हो जाता है और फिर बाद में उनके साथ कौन कौन से भेदभाव किए जाते हैं। ये दो प्रकार हमारे बालिकाओं से संबंधित है लिंग भेद में। अब हम देखते हैं कि जन्म से पूर्व में हमारे कौन कौन से लिंग भेद आते हैं जो हम बालिकाओं के साथ करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है कि जब कई बार हमने देखा कि समाज में ये कई परिवारों की सोच होती है कि जब महिला गर्भ धारण करती है तो उससे पहले उनका लिंग परीक्षण करवा दिया जाता है। और ये क्यों करवाया जाता है? एक लड़के की चाहत के लिए। वो चाहते हैं कि लड़का नहीं हमारे घर में कौन आए, लड़की नहीं हमारे घर में लड़के का जन्म हो। इसीलिए वो क्या करते हैं, उस लिंग जांच करवाते हैं, यानी लिंग की जांच। और ये बात मैंने आप लोगों को बताई भी थी लास्ट वीडियो में कि कहीं ना कहीं हमारे साथ जहां परिवार और समाज इसके उत्तरदायी है, कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी, या हम कहें कि जो हमारे चिकित्सक है वो भी इस चीज के उत्तरदायी है। क्योंकि कहीं ना कहीं लालच इतना बढ़ जाता है कि वो लिंग परीक्षण करते कौन है, डॉक्टर? ये सुविधा कहां से आ रही है? हमारी गवर्नमेंट ने कर रखी है। गवर्नमेंट ने इस पे बैन किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये चोरी छुपे काम होते हैं। तो ये जहां तक गवर्नमेंट इस चीज के बारे में सबसे स्ट्रिक्ट ना हो जाए, तो ये स्ट्रिक्ट होने पर ही ये चीज खत्म होती है। तो जो जन्म से पूर्व में सर्वप्रथम आता है वो है हमारे लिंग जांच, यानी कि जब स्त्री गर्भ धारण करती है तब उसकी लिंग जांच के आधार पर ये पता चलाते हैं, या उस परिवार के पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो गर्भ में है वो लड़का है या लड़की। तो ये सबसे पहले यही से ही लड़के और लड़की में भेदभाव स्टार्ट हो जाता है, यानी कि लड़के की चाहत ऐसी होती है कि उस भ्रूण की भी जांच करवाने लग जाते जो कि संसार में अभी तक आया ही नहीं। तो ये है सबसे पहला उसका लिंग जांच होती है। सेकंड होता है हमारा लड़का उत्पन्न करने का दबाव, लड़का उत्पन्न करने का दबाव। कई परिवारों में ये देखा गया है कि स्त्री के ऊपर ये जो मतलब एक दबाव डाला जाता है कि तुम लड़की को जन्म न देगा, तुम लड़की को ही जन्म देना, लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता कि ये क्या
वो एक तरीके से कहते हैं ना स्त्री में हीन भावना कुंठिता आ जाती है, वो इस चीज में एक तरीके से डिप्रेशन में आ जाती है, उस पर एक मानसिक दबाव जो डाला जाता है। लेकिन ये हमारा जन्म से पूर्व का एक भेद होता है, ये बहुत ही कहते ना एक बहुत भयानक स्थिति है जहाँ हम लिंग परीक्षण करवाते हैं, लड़का उत्पन्न करने के जो हम दबाव देते हैं स्त्री पर, ये एक हमारे समाज की एक भयानक स्थिति है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि लड़का और लड़की दोनों हमारे एक समान होते हैं। अब थर्ड आता है हमारे बालिका के जो भ्रूण की हत्या कर दी जाती है, बालिकाओं के भ्रूण हत्या, यानी जब हम लिंग परीक्षण करवाते हैं उसके बाद में हमने देखा है कि कई बार अगर जांच में ये आता है कि गर्भ में पुत्री है तो क्या किया जाता है, उस भ्रूण की हत्या कर दी जाती है, बालिका के भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। उसे ये समझा जाता है कि क्या पैदा होने वाला है, लड़की पैदा होने वाली है, और इसी कारण वो गर्भ में ही उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये हमारे कहते ना ये हमारे जन्म से पहले के ये तीनों जो कारण है ये इतने भयानक है कि हमारे समाज में आज जो भेदभाव का कारण बना है ये हमारे इतने चरम सीमा पर है, जिसे कहते हैं कि लड़के और लड़कियों में इतना ज्यादा हमारा डिफरेंस हम जो कर रहे हैं वो डिफरेंस हमारे लिए एक हमारे कहा जाता है कि हमारे समाज और हमारे संसार को एक विनाश की ओर ले जाने वाला है। क्योंकि हमने देखा है कि आज के टाइम पर जहां बालिकाओं की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे अगर देखा जाए तो हमारे समाज में सिर्फ लड़के होंगे और लड़कियां नहीं होंगी। तो ये हमारी एक तरीके से बहुत ही मीन मेंटेलिटी होती है कि लड़का और लड़की में जो भेदभाव करते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि इन दोनों में भेदभाव उत्पन्न हो। तो ये हमारे जन्म से पूर्व के हमारे भेदभाव थे कि कौन कौन से हमारे भेदभाव है, जैसे लिंग की जांच, लड़का उत्पन्न करने का दबाव, बालिकाओं के भ्रूण की जो हत्या कर दी जाती है, ये सारे हमारे क्या है, ये जन्म से पूर्व के भेदभाव है। अब आता है हमारा जन्म के पश्चात। जन्म के पश्चात हम देखते हैं बालिकाएं दो जगह रहती हैं, एक तो घर में और एक घर से बाहर। घर से बाहर का मतलब वो कहीं जॉब करती है, पढ़ाई करती है, तो यानी कि वो घर से बाहर भी रह जाती है। तो इनके जो हमने प्रकार बताए कि जन्म के पश्चात जो बालिकाओं से भेदभाव किया जाता है घर में और घर से बाहर, वो कौन कौन से किए जाते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा है कि जब पुत्री का जन्म होता है तो क्या होता है, घर में एक नीरस वातावरण यानी उदासी छा जाती है। हमने देखा है कि जब लड़का उत्पन्न होता है तो थाली बजाई जाती है, फूलों की थालियां बजाई जाती है, या हम कहें कि ढोल बजाए जाते हैं, एक तरीके से अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लेकिन जन्म की जब पुत्री का जन्म आता है होता है तो माता पिता में उदासी सी छा जाती है, यानी कि पुत्र का जन्म हमें खुशी प्रदान कर रहा है लेकिन पुत्री का जन्म हमें से दुख और नीरस वातावरण दे रहा है। तो इसमें सबसे पहला यह है कि जब पुत्री का जन्म होता है तभी ही एक नीरसता का वातावरण बन जाता है, एक उस वातावरण में उदासी छा जाती है। सेकंड है हमारा कि जब इस पुत्री का जन्म होता है तो पुत्री के जन्म के बाद में ना तो कोई उत्सव मनाते हैं जैसे कि पुत्र प्राप्ति के बाद में किया जाता है, क्योंकि लड़कियों को तो वो क्या मान रहे हैं, एक तरीके से कहते ना कि एक तरह से बोझ समझते हैं। तो ये कहा जाता है कि ना तो पुत्री के जन्म होने पर कोई उत्सव मनाए जाते हैं ना ही कोई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। फिर आता है पालन पोषण, यानी हमने देखा है कि लड़के और लड़की के पालन पोषण में भी अंतर किया जाता है। खाने पीने की जो चीजें हम देते हैं, जैसे कि लड़कों के लिए पौष्टिकता की देते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए इस चीज को नहीं मानते। कई बार तो ये कहा जाता है जो हमारे परिवार की या लोगों की सोच होती है इतनी छोटी और संकीर्ण सोच होती है, ये कहा जाता है कि लड़की तो कुछ भी खाकर सही रहेगी लेकिन लड़के को खाना सही मिलना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, यानी कि उनके तो घर
में जो पालन पोषण होता है उसमें भी अंतर कर दिया जाता है। खान पान से लेकर उनके पहनावे से लेकर उन्हें घर में रखने के तरीके से हर चीज में, क्योंकि उनकी माँ जो होती है वो उन दोनों में जो उनको एक जो उनको शिक्षा दे दी जाती है कि लड़के और लड़की में भेदभाव के लिए, तो वो उनके पालन पोषण में भी उनके अंतर करने लग जाती है। जहाँ लड़कों के खान पान में हम इतना ज्यादा पौष्टिकता का ध्यान रखेंगे लेकिन लड़की के खान पान में नहीं रखेंगे। तो ये चीज बताई जाती है कि ये चीजें ऐसी छोटी छोटी होती है जो लड़के और लड़की में भेदभाव शुरू कर देते हैं। साथ में जब लड़की के पालन पोषण के टाइम आता है, जब पुत्री को जन्म माँ देती है तो स्वयं माँ के खान पान पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। अगर लड़के ने जन्म लिया है तो माँ को खान पान देती है, नहीं बच्चा बीमार हो जाएगा, इस तरीके का खाना नहीं देना चाहिए। लेकिन एक पुत्री के जन्म पर माता का उस तरीके से ध्यान नहीं रखा जाता जितना कि एक लड़के के जन्म के समय होता है। तो ये हमारे पालन पोषण के टाइम पे माँ और बच्चे दोनों का कोई भी ध्यान नहीं देते कि किस तरीके से माँ, जब क्योंकि जन्म तो दोनों टाइम ही माँ का, माँ का अपना शरीर जो कहते ना कि अपना शरीर वीक होता है जो माँ का दोनों के टाइम होता है, लेकिन एक परिवार में जो उत्साह आता है वो आता है पुत्र प्राप्ति के टाइम। तो इसी वजह से जब पुत्री का जन्म हो जाता है तो माता के जो खान पान उनके किसी भी चीज का ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये कहते हैं ना कि पुत्री का जन्म तो वो खुशी नहीं मानते हैं। फिर आता है हमारा कि उन दोनों की उचित देखभाल भी नहीं की जाती, कन्या शिशु की हत्या। कई बार हमने देखा है कि हमारे समाज में इतने दरिंदे कहते हैं ना कि इतनी जो ये भेदभाव है इतनी आगे बढ़ चुका है कि कई बार कन्या शिशु की हत्या कर दी जाती है, किसी की बलि चढ़ाकर। कहते ना अंधविश्वास ऐसा बंद गया, कई बार अगर ये कह दिया जाए कि माता के चरणों पर उसे चढ़ा दी जाए तो वो चढ़ा देते हैं, जबकि माता ऐसा नहीं कहती है। लेकिन जो अंधविश्वास है उस अंधविश्वास के कारण कन्या शिशु की हत्या कर दी जाती है। कई बार छोटे से बच्ची को मार दिया जाता है। परिवार में देखा है कि कन्या पैदा होते कई बार लड़की पैदा नहीं, इतने दुखदाई होते हैं, इतने पिता कई बार इस सिचुएशन में है समाज के कई परिवार कि वो अपनी पुत्री को जन्म होते ही मार देते हैं। तो ये जो हमारी बुराइयां समाज में व्याप्त हो रही है, ये बुराइयां हमारी सिर्फ और सिर्फ इस भेदभाव के कारण, ये भेदभाव पिता को पुत्री की हत्या करने पर मजबूर कर रहा है। तो ये भेदभाव आज के टाइम पे हमारे खत्म होना चाहिए, जिससे कि बेटी अपने परिवार में सुरक्षित रहे। अगर आज के टाइम में पिता के साथ वो सुरक्षित रहे तो वो जीजे कैसे, जब ये भेदभाव खत्म होगा तभी ये चीज खत्म होगी। फिर आता है शिक्षा में भेदभाव, पुत्री और पुत्र में दोनों में शिक्षा के अंदर में भेदभाव किया जाता है। हमने देखा है कि कई बार लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है और लड़की को प्राइवेट में। ये कहा जाता है कि लड़की को पराए घर जाना है, कौन सा उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। लड़के के लिए कहेंगे कि उन्हें परिवार चलाना है आगे, उन्हें आर्थिक स्थिति जो अपनी वो मजबूत करनी है, ये मैं हमारे वंश को आगे बढ़ाएंगे, हमारे परिवार को आगे चलाएंगे। ये उनकी एक साइकोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं ना कि बेटी पराया धन है। इस चीज को देखते हुए लड़की की जो शिक्षा होती है उसे भी सही ढंग से पूरा नहीं करते, या तो आधी अधूरी कहते हैं शिक्षा को उसकी आधे बीच में या तो रोक देते हैं, या यानी जो सुविधाएं वो अपने बच्चों को जो बेटों को दे रहे हैं वो शिक्षा वो लड़कियों को नहीं देते। उन दोनों की शिक्षा में कई बार हमने देखा है एक ड्रेस भी होती है, जो लड़की तो ड्रेस की कई सालों तक पहनेगी लेकिन लड़के के लिए स्कूल यूनिफॉर्म हर प्रतिवर्ष बनाई जाएगी, या लड़की को किसी की पुरानी भी कपड़े पहनाए जाते हैं, पुरानी ड्रेस दे दी जाती है। तो ये सब चीजें ऐसी होती है कि जो हमारे शिक्षा में बहुत ही जो शिक्षा के क्षेत्र है उसमें भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। हमें देखा लड़कों को लड़कियों को अकेले पढ़ने जाने नहीं देते हैं, अगर उनका किसी चीज में सिलेक्शन हो गया तो उन्हें कह दिया जाता है कि नहीं अकेले कहाँ भेजे। तो ये जो शिक्षा में हमारे भेदभाव है ये भी हमारी भेदभाव जो है वो लिंग के भेदभाव के कारण आ रहे हैं। आर्थिक अधिकार, हमने देखा है कि आज के टाइम पे या हम कहें हमारे समाज में जो हमारा समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है जिसमें एक पिता को, पिता की जो संतान, पिता का अधिकार होता है पुरुष प्रधान है, उसी में कहते हैं कि जो आर्थिक अधिकार है, यहाँ पर आर्थिक अधिकार में हमने देखा है कि
लड़कियों को वो अधिकार प्राप्त नहीं होते। उन्हें अपने पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया जाता, कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। पुत्रों पुत्र को उन्हें की क्या मानते हैं उनकी, ये माना जाता है कि पुत्र ही उनकी संपत्ति का वारिस है, ये कहा जाता है, और लड़कियों को उस पर कोई अधिकार नहीं माना जाता। तो ये हमारे एक आर्थिक अधिकार है जिससे भी लड़कियां वंचित हैं। लड़कियों की इस चीज को सोच को कि क्योंकि संतान तो दोनों ही है एक पिता की, लेकिन एक को तो अधिकार प्रदान है और एक को अधिकार प्रदान नहीं है, तो ये अधिकार भी उन्हें प्रदान नहीं है। फिर आता है घर से बाहर जहाँ वो पढ़ने जाती है, जॉब करती है, उस समय भी उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले स्त्रियों के साथ कई जगह सार्वजनिक स्थान पर भी या जिस जगह वो कार्यालय में काम करती है वहां भी उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, अभद्र व्यवहार किया जाता है। उन्हें ये दिखाया जाता है कि वो स्त्री है, यानी कि उनके साथ उनका कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं होता। फिर है असुरक्षित वातावरण। बच्चियां अपने घर से बाहर कई बार ऐसा होता है ऐसे वातावरण है कि उन्हें ये प्रदान होता है कि वहां वो सुरक्षित नहीं है। अब चाहे वो उनकी शिक्षा लेने जाए वो जगह हो या उनका कार्यालय जहां पर वो काम करे, कई बार ऐसे अधिकार मतलब उनको वो वातावरण असुरक्षित का प्रदान करते हैं। तो लड़कियों को घर से बाहर कई बार जाकर उन्हें ये असुरक्षित वातावरण जिसमें कि वो रहती, उन्हें ये लगता है कि वो इस वातावरण में सुरक्षित नहीं है। कार्यस्थल पर कई कार्यस्थलों पर हमने देखा है कि स्त्रियों का शारीरिक शोषण किया जाता है, उनका फायदा उठाया जाता है और समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता। स्त्रियों को इसमें कहा जाता है कि औरतें क्या काम कर रही है, पुरुष को माना जाता है कि पुरुष ही बाहर का काम अच्छे से कर सकता है। तो उनके वेतन में कई बार जो उनके ऑफिस है कार्यालय है उसमें भी उनके साथ वेतन तक में क्या करते हैं, अंतर करते हैं। उन दोनों के स्त्री और पुरुष का जो एक ही पोस्ट पर दोनों है लेकिन दोनों के वेतन में कमी है। तो ये कौन सा कारण है हमारा, यही क्योंकि वो एक स्त्री है और वो एक पुरुष है। फिर है मातृत्व के समय उचित अवकाश और सम्मान नहीं मिलता। जब एक स्त्री जब एक बच्चे को जन्म देती है उसे जो अवकाश मिलना चाहिए वो अवकाश उन्हें प्रदान नहीं होता। हमने देखा है कई बार कई प्राइवेट सेक्टर ऐसे हैं वहां पर उन्हें वो अवकाश नहीं देते हैं जो कि उन्हें देना चाहिए, साथ में उनको वो सम्मान भी नहीं मिलता जिनकी वो अधिकार है। तो ये हमारे जैसे कई बार हमने देखा है कि कई कारण कई जगह ऐसी होती है जहां पर स्त्रियों को एक नुमाइश प्रदर्शनी के तौर पर हम काम कर में लेते हैं और इससे दूसरी स्त्रियों क्या करती है उन्हें एक होड़ मच जाती है कि हमें ऐसे अच्छा दिखना चाहिए। कहते ना कई जगह स्त्रियों को एक नुमाइश के तौर पर भी काम में लिया जाता है। तो ये सब हमारा गलत है। ये हमारे एक लिंग भेद के प्रकार थे कि जो बालिकाओं के लिंग भेद के प्रकार की कौन कौन से होते हैं, जन्म से पहले कौन से होते हैं और जन्म के पश्चात कौन से होते हैं, घर पर उन्हें कौन से भेदभाव से गुजरना होता है और घर से बाहर कौन से भेदभाव का उनको सामना करना पड़ता है। तो ये सब हमारे आज मैंने इस वीडियो में बताया है कि बालिकाओं के साथ साथ कौन कौन से लिंग भेद होते हैं। धन्यवाद।